सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इसी तरह हमारे यहाँ एक फैमिली नेम इस्तेमाल होता है अंसारी, या अगर आप अरब में चले जाएं तो वो अल अंसारी कहते हैं। तो ये एक सरनेम के तौर पर इस्तेमाल होता है अरब के बाज़ इलाकों में, हमारे यहाँ साउथ एशिया में इस्तेमाल होता है। इसकी असल मदीने से है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के जो कबाइल थे औस और खजरज, वो अंसार के नाम से मशहूर हुए, और अंसार का मतलब होता है मददगार। तो उनकी जो नस्लें आगे फैलीं तो उन्होंने फिर अपने मदीने से ताल्लुक को इस सरनेम के ज़रिए जोड़े रखा, अंसारी या अल अंसारी। और फिर जब आने वाले वक्तों में वो मिडल ईस्ट में फैले, इसी तरह हमारे ये पर्शियन गल्फ के इलाकों में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इलाकों में, तो फिर इससे अंसारी जो है ना, इस नाम से इनकी शनाख्त हुई। बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग गुजरे हैं अंसार में, जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फ़नून से था। मिसाल के तौर पर एक मुहद्दिस गुजरे हैं सैद बिन औस अल अंसारी। इसी तरह एक हनफी फकीह गुजरे हैं याकूब बिन इब्राहिम अल अंसारी। इसी तरह एक सीरियन बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं, जियोग्राफर, जिनका नाम था शम्सुद्दीन अल अंसारी दमिश्की। ये तमाम दौर, ये तमाम लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ आपको, ये आप समझ लें कि ये 1300 से कबल के लोग हैं। इसी तरह इनमें सूफी हजरात भी गुजरे हैं, कोई 1400 यानी अब 13 सेंचुरी ले लें, 1400s की बात है। ज़करिया अल अंसारी ये इजिप्ट में हुआ करते थे। इसी तरह इंडियन फ्रीडम फाइटर जो लेट 1800s में पैदा हुए और मिड 1900s तक जिंदा रहे, मोहम्मद मियाँ मंसूर अंसारी। और सऊदी अरब में भी एक नाम हमारे सामने आता है, मेरे ख्याल से आज भी वो जिंदा है, 1930s की उनकी पैदाइश है, अब्दुल रहमान अल अंसारी। वो सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इस तरह और बहुत सारे नाम हैं अंसार की तरफ। एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूशन हमें तला अल बद्र अलैना, सुभान अल्लाह, जो आज तक जिंदा है। तो बड़े बड़े नाम हैं अंसार की औलाद में, चाहे आप दुनियावी लिहाज से देख लें, दीनी लिहाज से देख लें, फ़िक़्ही लिहाज, आप मुहद्दिसीन हैं, तसव्वुफ में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त व इकराम से बख्श नवाजा है। तो ये एक मुख्तसर बात थी कि अल अंसारी जो लोग हैं या अंसारी जो लोग हैं वो अपने नाम के आगे अंसारी क्यों लगाते हैं। ये वो अंसार मदीना की नस्बत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।